हेलो रिवन, तो आज हम डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलीनोमियल्स पढ़ेंगे। तो इसको समझने के लिए हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को रिकॉल करेंगे, जो कि चैप्टर वन रियल नंबर में पढ़े थे। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अच्छे से पढ़े थे हम लोग। ये क्या होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, और इस एक्सप्रेशन पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व किए थे। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। और यहां पर हम ये भी पढ़े थे कि जो भी रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर डिवाइजर से या तो छोटा हो सकता है, या फिर जीरो से बड़ा, या फिर जीरो के इक्वल आ सकता है। ठीक है, ये हम पढ़े थे रिमाइंडर के लिए। क्लियर यहां तक? अब ध्यान से देखेंगे, डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट और रिमाइंडर क्या होता है, ये सबको पता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये पहले 2 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये 4 हो जाएगा, और यहां पर जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर 1 बच रहा है। तो जिस नंबर को हम डिवाइड करेंगे, यानी कि 5 को डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको हम डिविडेंड बोलते हैं, जिसको हम जनरली ए से रिप्रेजेंट करते थे, ये डिविडेंड है। जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको हम डिवाइजर बोलते हैं, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते थे चैप्टर वन रियल नंबर में। और जो भी मतलब जितने टाइम्स में डिवाइड हुआ, यानी कि जो भी राइट साइड में नंबर आ रहा है उसको हम कोसेंट बोल देते थे, और जो भी बचता है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी रिमाइंडर आता है वो डिवाइजर से या तो छोटा होता है, या फिर जीरो के इक्वल, या जीरो से बड़ा होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हम पढ़े थे डिवीजन लेमा, सॉरी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़े थे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, छोटे क्लास में भी पढ़ते आ रहे हैं। क्लियर, अब ध्यान से देखेंगे, अब यही डिवीजन लेमा हम पॉलिनोमियल्स के लिए भी यूज करेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के लिए भी यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमको कोई पॉलिनोमियल दिया गया है, इसको हम क्लियर कर रहे हैं, नोट करना है नोट कर सकते हैं इतना। ठीक है, अब यही डिवीजन लेमा हम पॉलिनोमियल्स के लिए भी पढ़ेंगे। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक पॉलिनोमियल एफ एक्स है, ठीक है, जिसको हम दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं। एक एफ एक्स पॉलिनोमियल है, इसको हम एक दूसरे पॉलिनोमियल जी एक्स से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद कुछ कोसेंट आएगा जिसको हम क्यू एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कुछ रिमाइंडर भी आएगा जिसको हम आर एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां भी हम डिविजन लेमा का यूज कर सकते हैं। कैसे? यहां पर डिविडेंड क्या होगा? एफ एक्स डिविडेंड होगा। ठीक है, ये डिवाइजर होगा, ये रिमाइंडर है, और ये कोसेंट है। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यहां पर डिविडेंड क्या है? एफ एक्स, तो यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू डिवाइजर जो कि जी एक्स है, इंटू कोसेंट जो कि क्यू एक्स है, और रिमाइंडर क्या आएगा? आर एक्स आएगा। ठीक है, और वैसे भी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट भी क्या होगा? एक पॉलिनोमियल ही होगा, और रिमाइंडर भी एक पॉलिनोमियल हो सकता है, या फिर जीरो, जीरो भी पॉलिनोमियल ही होता है। ठीक है ना, तो एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो क्यू एक्स भी पॉलिनोमियल होगा, और आर एक्स भी क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे डिविजन एल्गोरिदम के फॉर्म में। एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। और यहां पर कंडीशन होता है कि जो भी रिमाइंडर होगा, जो भी रिमाइंडर का डिग्री होगा, क्योंकि अभी ये पॉलिनोमियल है तो इसको हम डिग्री के टर्म में बात करेंगे, तो जो भी रिमाइंडर का जो डिग्री होगा वो डिवाइजर की डिग्री से छोटा होगा, या फिर ये जीरो हो सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जो डिग्री ऑफ आर एक्स है वो डिग्री ऑफ जी एक्स है, यानी कि डिवाइजर से छोटा होगा, या फिर रिमाइंडर जीरो के इक्वल आ सकता है। ठीक है, तो जीरो भी एक पॉलिनोमियल होता है, याद रखेंगे। तो यही चीज दिया गया है कि इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू पॉलिनोमियल्स विथ जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि डिवाइजर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी नंबर को हम जब जीरो से डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइंड होता है। देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स क्यू एक्स एंड आर एक्स सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स, जहां पर रिमाइंडर का कंडीशन ये है कि जो डिग्री ऑफ आर एक्स है वो डिग्री ऑफ जी एक्स है, यानी कि डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, या फिर आर एक्स जीरो के इक्वल आ सकता है। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर एक और बात ध्यान देंगे कि जो जी एक्स है, ठीक है ना, जी एक्स का भी डिग्री, डिग्री ऑफ जी एक्स ये भी छोटा होना चाहिए, या फिर एफ एक्स डिग्री ऑफ एफ एक्स के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ध्यान देंगे कि जो डिग्री ऑफ जी एक्स होगा वो डिग्री ऑफ एफ एक्स से या तो छोटा होगा, या फिर उसके इक्वल हो सकता है। डिग्री ऑफ जी एक्स कभी भी डिग्री ऑफ एफ एक्स से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है ना, यानी कि डिग्री ऑफ डिवाइजर
डिग्री ऑफ डिविडेंड से बड़ा नहीं हो सकता है, या तो उससे छोटा होगा या फिर उसके इक्वल होगा, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो यही होता है डिविजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स, आसान है, ठीक है ना। जो भी हम इक्वल डिविजन लेमा में पढ़े थे वही चीज यही है, मतलब वही चीज ये है, क्लियर है। तो इस पे बेस्ड अब हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो भी सीखेंगे और ये जो जितना हम चीज पढ़े हैं उसको हम क्वेश्चंस में अप्लाई भी करेंगे, ठीक है ना। तो ये होता है डिविजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स, इस पे बेस्ड जितने सारे क्वेश्चन है उसको अब हम नेक्स्ट वीडियो से सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें बस इतना ही रखते हैं। तो कहीं भी कोई दिक्कत है जरूर आप उसको कमेंट करें, ऐसे दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसान टॉपिक है। इक्विस डिवीजन लेमा भी पढ़े थे ये चीज, केवल यहाँ पे वहाँ पे नंबर था, रियल नंबर था, और यहाँ पे क्या है पॉलिनोमियल से, बस इतना का फर्क है, ठीक है। और जनरली हम डिविडेंड को एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइजर को जी एक्स से, और कोसेंट को क्यू एक्स से, और रिमाइंडर को आर एक्स से, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।